नेशनल हाईवे से लेकर शहर के मुख्य मार्ग और लिंक रोड पर हुए सड़क हादसों में इस साल भी सबसे ज्यादा अधिक युवाओं की ही मौत हुई है। प्रति वर्ष सड़क हादसों में करीब 24% युवाओं की मौत होती है। इसमें सबसे अधिक 16 से 25 आयु वर्ग होते हैं, क्योंकि इस उम्र के युवा सबसे जोशीले होते हैं और सर्वाधिक तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं। अधिक रफ्तार के कारण ही इनकी मौत होती है। इसमें से सबसे अधिक मौत दोपहिया वाहन चालकों की होती है, क्योंकि यह सबसे तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं। इसके अलावा ये लोग हेलमेट भी कम पहनते हैं। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट सैयद एहतेसाम बताते हैं कि 16 से 25 आयु वर्ग के युवाओं में जो युवा कार अथवा दोपहिया वाहन चलाते हैं, उसमें से करीब 15 से 20% अनट्रेंड होते हैं। उन्हें मानक के रूप वाहन चलाना नहीं आता, अथवा यूं कह ले कि इनके से अधिकतर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता। ऐसे में मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 16 से 18 वर्ग के युवाओं को 50 सीसी से सिर्फ अनगियर मोपेड चलाने की अनुमति है। इन्हें गियर वाली और 50 सीसी से अधिक की गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गत वर्ष 2019 से इस वर्ष हादसों में करीब 9.56% की कमी आई है, पर युवाओं की मौत में नहीं। गत वर्ष राजधानी में 1683 हादसे हुए, जिसमें से 922 लोग घायल हुए और 573 की मौत। 2020 जनवरी से 15 नवंबर तक 808 सड़क हादसे हुए, जिसमें 479 लोग घायल हुए और 304 की मौत। इसमें से सबसे अधिक करीब 24% लोग 16 से 25 आयु वर्ग के थे। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।